आज यहाँ मीटिंग थी, केवल समीक्षा बैठक हमारी थी जिसमें हमारी जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी और हमारे बूथ मैनेजमेंट कैसे हो रहे हैं और विधानसभा वार जो हम अपनी प्रभारी बनाए हुए हैं उनके कार्यों का थोड़ी समीक्षा हुई है और कुछ दिशा निर्देश एकजुट होकर काम करने का, क्योंकि एकजुटता जो दिखाई पड़ रही है ये हमारी बनी रहे तो हम इस बार राष्ट्रीय लोकदल को कहीं ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं और सबका यही संकल्प है। मैंने कहा कि जितने भी गांव-गांव आप प्रत्येक परिवार को, किसान हैं सब परिवार, और उनको जोड़िए किसान परिवार के रूप में, राष्ट्रीय लोकदल किसान परिवार, और अपने सारे मतभेद दूर कर इस बार हमें शीर्ष पर पहुँचाना है। हमें हमारे जितने कैंडिडेट आए उनको जिता के हम एक आदर्श प्रस्तुत करें, ये लक्ष्य दिया है। और ये आज अभी मथुरा में भी आना है, दोबारा आएंगे तो डिटेल में और ज़्यादा सब मॉनिटरिंग करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। जो गठबंधन की बात हो रही थी सीटों को लेकर के, अभी तक स्थिति क्लियर नहीं हुई, गठबंधन तो क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, कब तक? अरे अब तो जल्दी 7 तारीख तक क्लियर हो जाएगा, अभी भी क्लियर है। ये समीक्षा मीटिंग लेने के लिए आए थे हमारे राष्ट्रीय महासचिव बाबा हरदेव सिंह जी, और पहले भी बाबा हरदेव सिंह जी हेतमादपुर से चुनाव भी लड़े थे विधानसभा का। और समीक्षा मीटिंग में हमारा जो संगठन है, जिले की कमेटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, विधानसभा अध्यक्ष हमने बना दिए सारी विधानसभाओं के, ब्लॉक अध्यक्ष कंप्लीट, नगर अध्यक्ष फतेहपुर सीकरी 3-2 केरागर कंप्लीट, सारी विधानसभाओं हमारे नगर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और जिले की कमेटी कंप्लीट। और जितने हमारे पदाधिकारी मेरी कमेटी में, उनसे उनके नाम, उनके फ़ोन नंबर वो तो है ही मेरे पास पहले से, उनके वोटर आईडी कार्ड और उनका बूथ नंबर, ये काम मेरा हो चुका है। और उनसे जितने पदाधिकारी हैं उनसे कहा है, मैंने कहा आपके गाँव में जैसे 2 बूथ हैं 3 बूथ हैं तो 30 आदमी, 2 बूथ हैं तो 20 आदमी, उनके नाम, उनके फ़ोन नंबर, उनके वोटर आईडी कार्ड नंबर तो ये मुझे दे दीजिए। इस पर संगठन का काम कंप्लीट हो चुका और बूथ का काम, जैसे 1 बूथ पर 10 आदमी और 2 बूथ पर 20 आदमी, उनके नाम, फ़ोन नंबर, वोटर आईडी कार्ड, इस पर काम चालू है मेरा। आज बाबा हरदेव सिंह जी आए हुए थे, उन्होंने समीक्षा बैठक की बूथ की पदाधिकारियों की, और हम लोग भी पूरी तैयारी से लगे हुए क्षेत्र में, हर बूथ पर 10 आदमी को जोड़ने का काम चल रहा है। बहुत जल्दी से जल्दी हमारा काम कम्प्लीट हो जाएगा और बड़ी ताकत के साथ राष्ट्रीय लोकदल जितनी भी सीटें मिलेंगी उनको बहुत ताकत से और अच्छे मतों से जीतने का काम। बाबा हरदेव आए थे समीक्षा बैठक के लिए, बहुत अच्छी रहा, और हमारी जो तैयारी हुई है जिलाध्यक्ष जी की, ज़्यादातर 70-80% तैयारी हो चुकी है। अगला 10-12 दिन का दोबारा के लिए दूसरी समीक्षा बैठक के लिए तैयारी जो रह गई उस काम के लिए कह के गए हैं। काफ़ी उत्साह था लोगों में और जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो काफ़ी उत्साहित है। आज ऐसा लग रहा है कि एक नया लोकदल निकलेगा, जो चुनाव आगे आएगा हमारी जितनी भी सीट मिलेंगी वो सारी सीटें निकलेंगी, इस तरह से वो निर्देशन देंगे।